और यहाँ आपको बताएं कि श्रीनगर में रमजान मुबारक के आखिरी हफ्ते में दरगाह पर खवातीनों हजरात की इबादत का अपना अंदाज और फिर ईद की शॉपिंग से लेकर ईद तक अवामी जोशो खरोश खुशहाली की नवीद है। श्रीनगर में कश्मीरी किस तरह ईद मनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में, जहां पर इसकी सबसे बड़ी तकरीब जो है वो मुनाकत की गई। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो अकीदतमंद है वो यहां पर इज्तिमाई तौर पर नमाज की अदायगी के लिए यहां आए हैं। ना ही सिर्फ शहर श्रीनगर से बल्कि पूरे कश्मीर से जो है लोग आज यहां नमाज की अदायगी के लिए आए हैं। بس اكو بار مگر آمس ویتی پہ سری نگر سری آز بس آز بروٹ ہر جمع آز 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 گو خال کورونا پہ گو خال یور ان سک آز آز تم بروٹ آج زمع بیت مگر آز کورونا پہ آز خدا हो सकता है, चांद रात हो सकती है और इसलिए लोगों की बड़ी गहमा गहमी, क्योंकि मौसम भी साफ हो चुका है तो लोगों की बड़ी अच्छी गहमा गहमी है। सवेरे से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है शहर खास के नौहटाला के, आज बाजारों में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल, अगर से देखा जाए तो बच्चे अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं हमें कुछ बच्चे जो है मेहंदी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर से देखा जाए तो बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। हाँ, बारिश ये तो थी, बारिश ने यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा मतलब दिल रंजीदा कर दिया, खासतौर पर छोटे बच्चे जो इन बाजारों में घूमते रहते हैं। चूंकि ईद के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है, बहुत ज्यादा खरीदारी होती है और आज गालिबन और मुमकिन तौर पर चांद रात भी है, इसलिए पायम शहर के इस जामिया मस्जिद श्रीनगर जो तारीखी जामिया मस्जिद है, ये हमेशा जो यहाँ का बाजार है ये एक हिस्टोरिकल बाजार रहा है, तारीखी बाजार रहा है, इसकी अपनी एक अफादियत है। और यहाँ पर ज्यादा तौर पर आप देखेंगे कि खवातीन यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेडीज शॉपिंग ज्यादा करते हैं बच्चों के लिए। हालांकि यहाँ पे हर किस्म की शॉपिंग होती है लेकिन खास तौर पर यहाँ पे इस पायम शहर में खवातीन ईद के मौके पर शॉपिंग कर जाती। कल दिन बारिशों से गुजरा और आज मुमकिन अरफा हो सकता है, चांद रात हो सकती है और इसलिए लोगों की बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि मौसम भी साफ हो चुका है तो लोगों की बड़ी अच्छी गहमा गहमी है। सवेरे से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है, खास तौर पर यहाँ जो ये बाजार है यहाँ पे छोटे बच्चों और जो खवातीन के लिए मखसूस अशिया होती है उसकी खरीदारी बड़ी बड़े शबाब पर। हमारी लगाई क्योंकि स्कूल में अलो नहीं करे, जैसे हम रमजान मुबारक में अपनी नमाजों का क्या करते थे, ख्याल करते थे, रमजान में भी हमने काम किया, क्या कभी हमने काम नमाज से मानिया नहीं, या खुदा ना खास्ता चाहे हम मुलाजिम है चाहे हम तिजारत पेशा है, बट हमें है नमाज पढ़ने से कि क्या हम अपने हम चाहे हम ही मजदूर हैं और हाँ हम ही हमारे ही मजदूर होते है या नहीं। हम अपनी बात करें, जो हम यहाँ हैं सब हम अपने इलाके के लोग हैं,
होगा।